बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के समधी जितेंद्र यादव के घर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शुक्रवार को छापा मारा। सपा नेता जितेंद्र यादव गाजियाबाद के राजनगर स्थित सेक्टर 15 में रहते हैं। शुक्रवार सुबह 8 बजे के बाद ईडी की टीम उनके निवास पर पहुंची, जहां टीम के अधिकारियों द्वारा पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव के घर में अभी तक छानबीन कर कई दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। पूरी कार्रवाई को गोपनीय तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रागिनी जितेंद्र यादव के बेटे राहुल यादव की पत्नी है। राबड़ी देवी के यहाँ ईडी की कार्रवाई के वक्त आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने काफी हंगामा किया था, लेकिन जितेंद्र यादव के यहाँ कोई भी सपा नेता नहीं पहुँचा। करीब 7 घंटे से कार्रवाई चल रही है। घर के सभी सदस्य अंदर हैं और उनके मोबाइल स्विच ऑफ करा दिए गए हैं। गेट पर एक व्यक्ति को तैनात किया गया है। घर में प्रवेश और निकास पर पूरी तरह से पाबंदी है। ईडी की टीम स्थानीय पुलिस को साथ लेकर कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई के दौरान टीम ने बाहर से खाना मंगाया था। ईडी की टीम ने 5 साल पहले भी राहुल यादव से पूछताछ की थी। तब दामाद राहुल के खाते से राबड़ी यादव के खाते में 1 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था। कार्रवाई की सूचना मिलने के बाद से ही जितेंद्र यादव के आवास के बाहर मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है। हालांकि टीम के किसी सदस्य ने मीडिया से बात नहीं की है।